देश में लॉकडाउन होने की वजह से कारोबार में लगातार मंदी देखी जा रही है। कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में कूलर और पंखों की ज़्यादा बिक्री देखी जा सकती थी, मगर लॉकडाउन होने की वजह से ये सारी बिक्रियां ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें कूलर बनाने वाले लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन होने की वजह से हमारे कारोबार में कमी आई है और अब कारोबार लगातार मंदी के दौर से गुजर रहा है। साथ ही जो माल बनाया गया था वो ऐसा का ऐसा ही कारखानों में रखा है और किसी प्रकार की कोई भी बिक्री नहीं हुई है। अब इन्हें आशा इस बात की है कि लॉकडाउन खुलेगा तो शायद इनका कारोबार आगे बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। गर्मियों के मौसम में हर साल ठंडक देने वाले उपकरणों का कारोबार करोड़ों रुपए का है। साथ ही इस कारोबार से सैकड़ों मजदूर जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के चलते जहां लोग पंखे कूलर नहीं खरीद रहे हैं, वहीं समय बीतने के साथ दुकानदारों के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है। गर्मियों के सीजन में बाजार में ठंडक देने वाले उपकरणों का कारोबार काफी ज्यादा होता है। पंखे कूलर कारोबारियों के लिए मार्च जून तक का महीना सबसे अहम होता है। इस साल मार्च के महीने के आखिर में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू हो गया, जिससे कारोबारी परेशान हैं। कारोबारियों ने गर्मियों के सीजन के लिए कई महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और बड़े पैमाने पर कूलर बनाना शुरू कर दिए थे। कारोबार के लिए कारोबारियों ने बैंक से लोन लेने के साथ लोगों से कर्जा भी लिया था, लेकिन इस साल अभी तक एक भी कूलर की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। कूलर न बिकने से जहां कारोबारी परेशान है, वहीं उनके सामने साल भर की चिंता बनी हुई है। मुरादाबाद जनपद के देहात क्षेत्र स्थित गांवों में स्थानीय निवासी बड़े पैमाने पर कूलर तैयार करते हैं और यहां ज्यादातर घरों में कूलर बनाए जाते हैं। कारोबारियों के घर में तैयार कूलर का स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन खरीदार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लॉकडाउन से कारोबारी तैयार कूलरों को दुकान तक नहीं ले जा सकते और कूलर तैयार करने वाले मजदूर घरों में खाली बैठे हैं। कारोबारियों की परेशानी ये भी है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो जून में बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद कूलर बिक्री के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादातर कारोबारी कर्ज चुकाने और परिवार के पालन पोषण को लेकर चिंतित हैं। सर, मेरा कूलर का कारखाना है मोहम्मद फैजान कूलिंग सेंटर के नाम से, साईं हॉस्पिटल पे काशीराम वाले गेट के अंदर, लाखन सिंह वाली गली के ठीक सामने। ठीक है, कारोबार के असर की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारा जो काम है तो पूरे साल का 3 महीने पर डिपेंड करता है, मार्च अप्रैल मई। जुलाई में आधी जुलाई के बाद बारिश हो जाती है। तो कारोबार की जहाँ तक स्थिति है, जो हम लोग निवेश करते हैं, हमारा सारा पैसा जो भी होता है, जो हमारा बैंकों का होता है या मतलब जैसे भी हम करते हैं अपनी कारीगरों का, जैसे भी सेटलमेंट अपने कारोबार का करते हैं, तो वो हमारे ऊपर इस समय हमारा सारा पैसा हमारे कारोबार में लगा हुआ होता है। ठीक है, अभी हमने जिस समय अपना पूरा मद्दा काटने के बाद में हम कारोबार पर इस समय हमने सोचा कि अब हमारा काम चलेगा, तो अब पोजिशन ये लॉकडाउन की आ गई। तो सबसे पहले अभी ये लॉकडाउन की पोजीशन के ऊपर मैं भी थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा अपनी। सर्वप्रथम तो चिंता का विषय यह है कि हमारे देश में यह महामारी है और इस महामारी से अल्लाह पाक हमें निजात दिलाए और भारतवासियों को सभी को इससे निजात दिलाए, बल्कि पूरी दुनिया को निजात दिलाए, जिससे कि हमारे कारोबार को स्थिति मिल सके, कारोबार सही परिस्थिति में आगे बढ़ सके। लिहाजा हमारे कारोबार की जहाँ तक बात है, हालाँकि प्रभावित तो सारे कारोबार हैं और सभी परेशान हैं और सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं। जहाँ तक हमारे कारोबार की बात है तो हम एक बार मद्दा अभी काट चुके हैं, लिहाजा अब सारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा। सारा सीज़न ख़त्म होने के उपरांत हम दोबारा मद्दे में पहुँच जाएंगे। इस स्थिति में ना हम बैंकों की EMI जमा कर पाएंगे, ना हम अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाएंगे, ना हम अपने माल को किसी को किसी परिस्थिति में बेच पाएंगे और ना ही हम कहीं पर भी सक्षम किसी काम में हो पाएंगे। तो अभी आने वाले समय हमारे लिए बहुत संकट का है। जो भी मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे साथ का काम करते हैं, जो कूलर का काम करते हैं, बक्सों का काम या उसका पंखों का काम करते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। वो लोग किस तरह से अपने खर्चे को मैनेजमेंट करेंगे ये तो वही जानते हैं। लिहाजा कारोबार की स्थिति यह है, अभी यहाँ पर जो लोग कारोबार करने वाले हैं उन सब लोगों के कारोबार बंद होने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई है और उनके कारोबार का जितना ही माल वाल सब तैयार रखा है वो बिक नहीं पाया है। तो उनकी जो मतलब समझता हूँ मुरादाबाद के अंदर कम से कम 15% लोग तो ऐसे होंगे, मेरी अपनी समझ है, 15% लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी काम पर निर्भर लंबा होता है। तो जहाँ तक हमारी बात है तो अब हम लोग कारोबार करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, अगर हम दुकान को शॉप को ओपन करते भी हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद भी, तो हम लोगों की कारोबार की स्थिति ये रहेगी कि हमसे कोई माल खरीदने
नहीं आएगा। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो मैं समझता हूँ क्या हम लोगों की तो खैर जैसे देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी जो होगा देखा जाएगा, मगर मैं समझता हूँ जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को भूखों मरने की नौबत, जो नीचे वाला है वो तो भूखा मरना ही मरना है, वो तो तय है। क्यों कि जब उसको उस समय सर इस समय उनकी कोई स्थिति ठीक ठाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी 2-3 सालों तक वो इस महामारी के चलते लॉकडाउन में जो उनका नुकसान होगा, मैं मेरा अपना समझना ये है कि कम से कम 3 साल तक वो उससे नहीं उभर पाएंगे। कितना साल हो गया? लगभग 10 साल के करीब। अच्छा, कोरोना के चलते ही पूरे देश में लॉकडाउन लागू है तो काम पे क्या असर पड़ा है? सर काम पे तो सारा ही असर पड़ा हुआ है। काम पे तो सारा ही असर पड़ा हुआ है। हाँ। काम तो बिल्कुल बंद ही पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा। हम लोग तो कूलर के ऊपर ही डिपेंड है। अभी ये 3 महीने को लॉकडाउन खुल जाएगा थोड़ा बहुत हाथ आ जाएगा, और नहीं तो सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा अगले साल तक। कूलर का सीजन सर अप्रैल मई जून 3 महीने का होता है बस, इसके बाद कोई काम नहीं चलता किसी तरह का। और साल भर मतलब इसी में जो 3 महीने में कमाई होगी वही बस जो इसी में कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए जो भी करना होता है। तो इस समय कैसे काम चल रहा है? बस सर जैसे चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है इस समय तो बस। कहीं कोई मतलब वो नहीं है? कोई के नहीं है, कहीं से कोई वो नहीं है। और अगर लॉकडाउन लंबा बढ़ता है तो कितना मतलब बहुत नुकसान होगा? हाँ नुकसान तो सर होता ही है और बहुत नुकसान होगा। और हमने हमारे मोहल्ले में तो सारा जितने भी लोग हैं सारे इसी काम पर डिपेंड है। ये भटावली है, इस भटावली के अंदर तो टोटल आदमी यही काम करते हैं और सभी के घर पर स्टॉक भी पड़ा है, किसी के कहीं पड़ा है। ठीक है।